नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में शिवम ठाकुर के साथ। 12,000 पदों पे आप लोग को पता है कि 12,000 से भी ज़्यादा पदों पे बिहार एसएससी, ठीक है, बीएसएससी की बात करें तो आपको पता है कि 12,000 से भी ज़्यादा पदों पे 11 तारीख तक, 11 नवंबर तक आप लोग फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आवेदन कर लीजिए और केवल इंटर पास के जो भी स्टूडेंट हैं वो लोग कर लीजिएगा। अब बात है, हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं बिहार के अंदर जिनको थोड़ी सी कठिनाई होती है अपने कास्ट सिस्टम को समझने में, और जिस कारण से उनको या तो फॉर्म में वो गलत फॉर्म आवेदन कर लेंगे या फिर वो अभी भी कंफ्यूज हैं कि हम लोग अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कौन सा बनाना है और कैसे बनाना है। और उसमें भी एक कन्फ्यूज़न है कि नन क्रीमी लेयर का जो आप लोग आवेदन कर रहे हैं वो कितने दिन में बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, और अगर आपको अभी फॉर्म भरना है तो कैसे करके उसको जल्दी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी वैकेंसी बिहार कर्मचारी सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई है। आप सभी को पता भी होगा 11,000 से भी ज़्यादा पद भरे जाने हैं, जिसके अंतर्गत सचिवालय सहायक और पंचायत सचिव जैसे पद सम्मिलित हैं। आपको दूसरा इंतजार था कि ऐसी पुस्तक भी होनी चाहिए जिसको पढ़ने के बाद आपको जरूर सफलता मिले, वो इंतजार भी फ्रेंड्स खत्म हो गया है। अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चक्षु पब्लिकेशन ने एक बेहतरीन पुस्तक लॉन्च किया है जिसके अंदर फ्रेंड्स आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, वो भी फ्रेंड्स व्याख्यात सहित। 2,000 से भी ज़्यादा फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाते हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस हो वो शानदार हो। और यही नहीं, आपको ये सारी चीज़ें 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलती है, यानी कि जैसा सिलेबस बताया गया है बिल्कुल उसी आधारित एक्सपर्ट्स के द्वारा ये पुस्तक तैयार करी गई है। इस पुस्तक में फ्रेंड्स आप, जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आप पढ़ते हैं तो जरूर ही सफलता को प्राप्त करेंगे। तो मन में आपके आ रहा होगा कि इसको कहां से खरीदा जाए, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या फिर अपने किसी भी नज़दीकी दुकान पर जाके आप भी खरीद सकते हैं। जरूर परचेज करिए और सफल होइए। ये सारी आपकी सारी कन्फ्यूजन्स इस वीडियो के बाद दूर होने वाली है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं और अपने जाति में आरक्षण लेना चाहते हैं, आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हैं बिहार एसएससी की इस वैकेंसी के अंदर, और अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने कर लिया है, वो भी देखिए, क्योंकि आपने अगर गलती फिलअप कर लिया है तो आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आप ऐसी कोई गलती ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे बिहार के अंदर जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड कास्ट पिछड़ी जाति, इसको हम लोग दो नामों से जानते हैं। एक तो फ्रेंड्स आपको BC1 के नाम से, BC1 या फिर EBC, ये दोनों सेम चीज़ है। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स आपको अत्यंत पिछड़ी जाति। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपने नहीं लगाया है तो आपको आरक्षण का भी लाभ नहीं मिलेगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। अत्यंत पिछड़ी जाति आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। और आप दूसरी जो जाति है ओबीसी के अंदर, BC2 या BC, ठीक है, बैकवर्ड कास्ट, ये होती है फ्रेंड्स पिछड़ी जाति। ये आपको दो कैटेगरीज में, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया बीसी क्या है, BC2 क्या है, BC1 क्या है, EBC, ये दोनों एक चीज़ है, ये दोनों एक चीज़ है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं तो अपने जरूर फादर, अपने रिश्तेदारों से ज़रूर पूछ लीजिएगा, तभी फॉर्म फिलअप करिएगा। अभी आपके मन में हो रहा होगा कि अब हम फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो हमें जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। अगर आप जनरल जाति से बिलोंग करते हैं तो आप EWS का जो एक सर्टिफिकेट होता है आपको इसकी आवश्यकता होगी, जो 10% का आरक्षण चाहते हैं। 10% का आरक्षण का क्या मतलब है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, सामान्य जाति के स्टूडेंट हैं यानी कि फॉरवर्ड कास्ट हैं लेकिन वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको EWS का फ़ायदा मिलता है, सवर्ण जो आरक्षण मिला था उनके लिए भी फ्रेंड्स आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो उनका कौन सा सर्टिफिकेट कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं आपको आगे बता दूँ इसमें कि आप सबसे पहले क्या करते हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। ऑन तो आप RO लेवल का करते हैं, ठीक है, RO लेवल का बेसिक होता है वही आप लोग आवेदन करते हैं। तो आप जब क्या करेंगे, अपनी जाति, निवास और आय, ये तीनों अगर आप आवेदन कर पाते हैं, कर लेते हैं, आपके पास पहले से है या फिर आपने आवेदन कर लिया है, तब जाके आप NCL, नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आवेदन कर पाएंगे,
ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा कि आपको नन क्रीमी लेयर बनवाने के लिए जाति, निवास और आय की आवश्यकता है। अब ये नन क्रीमी लेयर किनको आवश्यकता है? जो भी पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं, चाहे वो BC1 से हों या फिर BC2 से हों, अत्यंत पिछड़ी जाति से हों या पिछड़ी जाति से हों, उनको अगर आरक्षण का लाभ चाहिए तो उनको नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगेगा। अगर वो ये आप नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, अपनी जाति केवल जो नॉर्मल जो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग ऑनलाइन करते हैं केवल वही देते हैं, ये वाला जाति सर्टिफिकेट, तो हो सकता है कि आपको आरक्षण का लाभ ना मिले और आप सामान्य वर्ग के जैसे ट्रीट किए जाएं, सामान्य वर्ग में आपको डाल दिया जाएगा। अगर आप उनके बराबर मार्क्स लेके आते हैं, आपका नंबर उनके बराबर होता है, तभी जाके आपको वहाँ पे फ़ायदा मिल सकता है, मतलब आपका सिलेक्शन हो सकता है। फ़ायदा नहीं मिलेगा, फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जो नन क्रीमी लेयर बनवाएंगे। तो ये कैसे बनता है? आपके पास जाति होनी चाहिए, आय होनी चाहिए और निवास होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें से भी फ्रेंड्स आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए, ठीक है, विदिन 1 ईयर। यानी कि आपका जो कास्ट आय प्रमाण पत्र है वो 1 साल के अंदर का अगर है तभी आप नन क्रीमी लेयर आवेदन कर पाएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि अब हम क्या करें, हमारे पास समय 11 नवंबर तक का है, तो जल्दी बनवाना चाहते हैं तो क्या करें, उसके लिए भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिए, पहले आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि अगर आप पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं और अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनके पास फादर 15 लाख 20 लाख कमा रहे हैं या फिर आप अर्निंग कर रहे हो तो उनका बन पाएगा, उनका नहीं बनेगा। जिनका मतलब पिछड़ी जाति से हैं और लिमिटेड आय है, आय का स्रोत कम है, वही लोग इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। 8 लाख 9 लाख तक जिनका आय है वो भी बनवा सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नन क्रीमी लेयर का है बनवाइए, तभी जाके आवेदन होगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, नन क्रीमी लेयर भी आपको 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बिहार सरकार की नौकरी के लिए और एक होता है भारत सरकार की नौकरी के लिए, ठीक है। और इसमें भी फ्रेंड्स RO लेवल होता है और एक SDO लेवल होता है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। अगर आप पिछड़ी जाति से हैं तो आपको नॉर्मल जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, आपको पहले नॉर्मल जाति बनाना पड़ेगा, निवास आय बनवाना पड़ेगा और इसके हिसाब से आप नन क्रीमी लेयर के लिए आवेदन करेंगे। और वो भी अगर बिहार SSC का फॉर्म भर रहे हैं तो बिहार के लिए, मतलब नौकरी के प्रयोजनार्थ। 2 टाइप का आवेदन होता है, एक भारत सरकार की नौकरी के लिए और एक बिहार सरकार की नौकरी के लिए, तो बिहार सरकार वाली बनवाइए। अब नीचे है कि इसमें भी 2 लेवल का होता है, SDO और RO। तो पहले RO बनता है, आपका RO वाले से ही काम चल जाएगा, SDO लेवल की बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नॉर्मल आप ये नन क्रीमी लेयर बनवा लीजिएगा, तब जाके आपको फ़ायदा मिलेगा, अपना आरक्षण अपनी आप सीट पे फाइट कर पाएंगे। और अगर आपका नंबर मतलब सामान्य जो जनरल वाले हैं उनके बराबर आता है तो आपको अनरिजर्व सीट पे काउंट किया जाएगा और आपका सीट पिछड़ी जाति के लिए वो ब्लैंक रह जाएगा। मतलब कि अगर आपका नंबर एक UR कैंडिडेट के बराबर आता है, अगर आप OBC से भी हैं और आपका जो मार्क्स है बराबर आता है UR के, तो आप अपनी सीट को छोड़ के UR की सीट पर चले जाएंगे, ठीक है, और ये सीट खाली रहेगा आपका जिनका मार्क्स कम है उनके लिए। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? अब देखिए फ्रेंड्स, EWS वालों के लिए भी, सामान्य जाति के हैं उनके लिए भी फ्रेंड्स आपको आय चाहिए, जाति चाहिए और निवास चाहिए, और आपका आय 1 साल के अंदर का होना चाहिए, तभी जाके आप EWS के लिए आवेदन कर पाएंगे। और जिनका EWS 1 साल से पुराना हो गया है, देखिए 1 साल से पुराना क्या क्या आपका नहीं होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र और EWS, ये 1 साल से पुराना है तो वो वैलिड नहीं होता है, उसको फिर से आपको बनवाना पड़ेगा, समझ गए। यानी अगर आप EWS का भी सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए वो 1 साल के अंदर का, तभी आपका EWS बन पाएगा। जिनका 1 साल से पुराना है, यानी कि मार्च 2023 से पुराना है, पहले का है, तो वो लोग फिर से बनवाएंगे, ठीक है। जिनका मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच का है उनका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जिनका नया बनवाना है उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले आय, जाति, निवास बनवाना पड़ेगा, तब जाके आपका EWS बनेगा। और कोई भी फ्रेंड्स आपका जो ये निवास होता है ना, ये वाला निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ये कभी भी पुराना नहीं होता है, ये आपका हमेशा पुराना वाला भी है उससे काम आप चला सकते हो, नया बनवाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र एक बार बन गया काफ़ी है। जो महिला कैंडिडेट हैं वो अगर अपना जाति का लाभ उठाना चाहती हैं तो अपने पिता के निवास स्थान पे या फिर अपने फादर का जो कास्ट है उसी का उनको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर वो हस्बैंड के पास गई हैं तो फिर उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। तो अपनी जाति का लाभ लेना चाहती हैं महिला कैंडिडेट तो अपने हस्बैंड वाला नहीं, अपने फादर के एड्रेस वाला जाति आपको लगाना पड़ेगा, याद रखिएगा।
अब कैसे बनेगा जल्दी, इस पर आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि कैसे जल्दी बनेगा। तो देखिए, नॉर्मली आप ऑनलाइन करिए, सबसे पहले आय जाति निवास, और उसके बाद ये नॉन क्रिमिलियर के लिए भी सेम चीज़ है, इसमें भी आपको आय जाति निवास चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो की बात कर रहा हूँ, आप सबसे पहले ऑनलाइन कर लीजिए। ऑनलाइन जाके अगर खुद से नहीं आता है तो आप किसी साइबर कैफ़े के पास जाइए, ऑनलाइन आपका तुरंत हो जाएगा 10 से 20 मिनट के अंदर। ऑनलाइन होने के बाद आपको एक स्लिप मिलेगा, ठीक है। स्लिप को क्या करना है आपको, उस पर आपको 10 दिन या 15 दिन का समय दिया होगा कि इतने दिन के बाद आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। स्लिप को लेना है आपको, सीधा क्या करना है, ब्लॉक में चले जाना है, आपके जो भी जहाँ से आपका निर्गत किया जाता है ब्लॉक, वहाँ जाइए, अपना ऑनलाइन अप्लाई का जो स्लिप निकलता है वो लेके जाइए और वहाँ उनसे बात करिए। थोड़े बहुत हो सकता है कि आपका खर्चा लगेगा, लेकिन काम आपका 1 से 2 दिन के अंदर वो हो जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट ये बन के तैयार होगा, आप फिर इसके लिए EWS के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर जनरल वाले हैं तो, और नॉन क्रिमिलियर के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप OBC के हैं, यानी कि BC1 या BC2 के हैं, तो आप नॉन क्रिमिलियर के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और 1 से 2 दिन में आपका वो भी बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसके लिए आवेदन करेंगे EWS के लिए या फिर नॉन क्रिमिलियर के लिए, तो उसका भी रिसिप्ट आपको मिलेगा और सेम प्रोसेस रिपीट करना है। रिसिप्ट लेना है, ब्लॉक में जाना है और वहाँ पे थोड़े खर्चे करने हैं और आपको बोलना है कि हमें चाहिए, जल्दी चाहिए, 1 से 2 दिन में आपका वो बन के आ जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका जान पहचान कैसा है, आप कैसा कम्युनिकेट करते हो, कैसे बात करते हो ब्लॉक में जाने के बाद, सारा खेल वहीं पे है, ठीक है। तो आप इस प्रोसेस को अपनाइए और घबराइए नहीं। अगर आप अपना आरक्षण, अपनी आरक्षण वाली सीट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। और आप चाहते हैं कि मुझे भैया कुछ नहीं चाहिए, मैं कहीं भी मतलब जाना वाना नहीं है, मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं आवेदन करना चाहता हूँ, तो आप UR की सीट पर कर सकते हैं, अनरिजर्व सीट पर कर सकते हैं, जहाँ पर आपको नहीं लगेगा ये जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही आपको इस वीडियो में बताना था, उम्मीद करते हैं कि अब समझ में आ गया होगा बहुत सारे कैंडिडेट्स को। और ऐसे ही जेन्युइन जॉब अपडेट्स और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने चैनल जॉब्स वाले भैया को। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।